बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो शिक्षा के माध्यम से आज हम जिस भी मुकाम हासिल किए हैं उसके पीछे अपने जो गुरु होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो आज इसी बीच में हम आ चुके हैं, आज रांची के डोरंडा स्थित विद्या कोचिंग संस्थान है और उसकी फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनुरंजिता सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि इनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को किस तरह से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की कराई जाती है। मेरा सब्जेक्ट रहा है और मेरा बॉटनी से पीएचडी है, तो बॉटनी सेक्शन मैं ही कवर करती हूँ। आपके देखिए ऐसे एज ए लेडी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट मैं ये सोच के इसको ओपन की हूँ कि मेरे को कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो जब मैं इस उम्मीद से उतरी हूँ, तो जब किसी से बात करती हूँ या फिर लोगों को समझाने जाती हूँ, तो उनसे मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग बहुत सारे हैं, एक एक क्लासेस में 40-50 बच्चे बैठते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि मैम नाम से तो हम उनके पास गए, बट मेरे बच्चों को वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है जिसकी हमें आशा थी। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि बहुत छोटे क्लासेस बनाए हैं कि एक एक बच्चे को इक्वल वेटेज मिल सके, इक्वल टाइम मिल सके। और मैं यहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन के साथ इसको ओपन की हूँ। अगर हमारा 3 बजे का टाइमिंग है तो आपको 3 बजे आना होगा, 3-2 में नो एंट्री। एक्चुअली हमने अभी तक जो भी अर्जित किया है, जो भी उपलब्धियाँ या जो भी एडुकेशन, वो काफ़ी मेहनत से अर्जित किया है। तो मेरा शुरू से यही एम था कि हम ऐसा एक कुछ बच्चों को प्रोवाइड करें कि जो उनको आज मैं जो सफ़र करके आज इस मुकाम पे पहुंची, उनको ये मेहनत ना करनी पड़े, उनको ये स्ट्रगल ना करना पड़े। अभी स्ट्रगल बड़ा है लेकिन सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे समय में इतने ज़्यादा टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे जो कि आज के दौरान मौजूद हैं। पहले की अपेक्षा अब देखा जा रहा है कि लोगों के पास में वो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। अभी आपके इंस्टीट्यूट में जैसे बात करें विद्या एकेडमी में क्या क्या अभी कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट के लिए? अभी तो हम यहाँ पे क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का हमने यहाँ पे साइंस, इंग्लिश एंड संस्कृत रखा है, और 11-12 है आपका PCM एंड बॉटनी, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स। इसके अलावा हमने कॉमर्स भी रखा है। अभी तो अप टू 10 तक के बच्चों को पैरेलली अगर वो चाहते तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने सैटरडे संडे जुम्बा क्लासेस, कोई गिटार सीखना चाहे या कैशियो वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर डांसिंग के तरफ इस साइड मैंने फोकस किया है, और अगर वो कंप्यूटर और पेंटिंग वगैरह सीखना चाहे तो इससे भी मेरा टाई अप है, अगर वो चाहे तो मैं उनको वहाँ पे सुविधा के साथ। देखिए यही सब को फोकस करते हुए हमारा जो एक एक सेक्शन जो हम बनाए हैं वो सिर्फ 18 बच्चों का है साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर कोई बच्चे बहुत गरीब सेक्शन से अगर वो नहीं सकते हैं, तो आउट ऑफ 18 मेरा 2 सीट्स है फ्री फॉर पुअर स्टूडेंट्स। ये कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी फैमिली से, बट मैं खुद से स्क्रूटनी करूंगी, मैं खुद से तह पे जाके पता करूंगी कि वाकई में ये पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, नीडी हैं कि नहीं, क्योंकि अभी का टाइम पे बहुत एडवांस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा अलर्ट हो के उनको वॉच करना होगा कि बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको सामने बैठा के पढ़ाना, कुछ साल, एक साल मैक्सिमम मेहनत करना पड़ेगा उनको सामने बैठा कर, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर अपनी नज़र से गाइड करना बहुत ज़रूरी है। उनको तो प्रॉपर काउंसलिंग का जरूरत है, इनको एक बैठा कि उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। विदाउट मोटिवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे इतने तेज हो गए हैं ना। मैं अपने खुद बच्चों को देख रही थी, स्टूडेंट्स को, तो वो ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो फिर अगर आप बहुत इजी वे में पास हो जाते हैं तो एक कोचिंग में जाने की आपको आवश्यकता ही क्या है। तो इनको एक प्रॉपर गाइड करना होगा, बहुत ज़रूरी है इनको बैठ के काउंसलिंग देना। जैसे हमारे यहाँ एक दो बच्चे आए थे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया,
तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे, उससे हमारा फ्यूचर मार्क्स भले आ जाए बट फ्यूचर डार्क है। तो बच्चों को ये पता है कि उनका फ्यूचर बर्बाद होगा, गार्जियन को भी पता है कि उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगा, लेकिन अब बच्चे जो है कि जिद मचा के रखे हैं कि वो एकदम जिद्दी टाइप के हो गए हैं कि नहीं देंगे मोबाइल तो हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं देंगे मोबाइल तो हम बाकी जो एक्टिविटी होती है वो सब में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो एकदम घर का किसी कोना रूम में पकड़ लेता है। नहीं, इसके लिए पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल के चलते क्या हुआ ना, बच्चे भी पेरेंट्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। मैक्सिमम टाइम वो ये बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसे क्या है ना, वो गैप क्रिएट हो गया है। वो गैप को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। एक घर में भी अगर हम, मेरे काउंसलिंग करने से नहीं होगा, ये पेरेंट्स को साथ बैठ के बच्चों को समझाना होगा प्रॉपर कि देखो कि ये तुम्हारे लिए गलत हो रहा है। वो उनको भी एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये थे डॉक्टर अनुरंजिता सिंह।